सो हाई एवरी वन एंड वेलकम टू फिजिक एम अकेडमी। आई होप ऑल यू डूइंग गुड और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट हु गोइंग टू गिव IIT जैम नेट गेट TIFR कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बाउंड स्टेट प्रॉब्लम के ऊपर। तो ध्यान से देखिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिए तो आप बाउंड स्टेट प्रॉब्लम सीख जाएंगे। उससे जो भी क्वेश्चन आते हैं जिस भी तरीके के, आई विल टेल यू किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट। तो अगर मैं बात करूं भाई किस चीज़ की, स्टेट के बारे में, इफ़ आई टॉक अबाउट बाउंड एंड ओपन स्टेट के बारे में हम डिस्कस करें कि बाउंड स्टेट क्या होती है और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस हमें डील करने होते हैं, तो बहुत बेसिक सा फिनोमिना है कि जब भी आप बाउंड स्टेट के क्वेश्चंस को डील करने पहुँचें तो कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। वो बातें आपको जीवन में बहुत काम आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो रहा है तो उसको साफ़ कर लेते हैं ताकि जो दिखने में आपको सुंदर सा ही लगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको इन जनरली पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम भी आप इसको कह सकते हो। तो अगर बात करें किसी फ्री पार्टिकल के बारे में, ठीक है मेरे भाई, तो फ्री पार्टिकल क्या होता है, जिस पे लगने वाला फोर्स जीरो हो, यानी कि उसका पोटेंशियल या तो जीरो हो या पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, बिकॉज फोर्स इज दिस, इस तरीके से निकालते हैं। तो दो कंडीशन है हमारे पास। तो हम जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, वो ये करते हैं। देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है पहले समझ लीजिए, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं जो है यहाँ पे वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात करूँ तो 2ME है ना, पोटेंशियल अगर जीरो है, अदरवाइज यहाँ पे वी भी आएगा, अगर पोटेंशियल जीरो है तो तब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई, ये हमारे पास क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्लियर। तो यहाँ से क्या क्या कंडीशन बन सकती है इस चीज को ध्यान से समझिए, कैसे सॉल्यूशन हम करेंगे। फ्री पार्टिकल के लिए डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आएगा e टू द पावर आई के एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस आई के एक्स, और ये जो k है यहाँ पे वो है रूट ऑफ 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ये है फ्री पार्टिकल के लिए। पोटेंशियल प्रॉब्लम में अगर मैं फ्री पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूँ तो ये जो कंडीशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है बच्चों, फ्री पार्टिकल का सॉल्यूशन है, ओके। और ये वेव फंक्शन कैसा है, ऑक्सीलेटिंग वेव फंक्शन है। तो सेम सिचुएशन, अगर पोटेंशियल जीरो ना हो, कंडीशन ये है कि पार्टिकल अगर फ्री ना हो, है ना, पोटेंशियल अगर जीरो ना हो, ये तो तब की कंडीशन है यार जब पोटेंशियल जीरो है, तो हमेशा तो ऐसा कंडीशन होगा नहीं ना, हमेशा तो ये सिचुएशन नहीं होगी कि मेरे भाई पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तो अगर यदि आपका पोटेंशियल, इफ़ योर पोटेंशियल इज नॉट जीरो, देन व्हाट यू डू, तो आपकी जो इक्वेशन है वो बनेगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो, ऐसी इक्वेशन बनेगी। तो यहां से क्या केस आपको मिलते हैं, पहली केस e ग्रेटर देन v है, तो उस कंडीशन में जो k होगा इट इज अ पॉजिटिव नंबर, k कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, अगेन योर k इज हेयर अंडर रूट ऑफ 2m e माइनस v अपॉन h का स्क्वायर, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो सेम, a e टू द पावर आई के एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस आई के एक्स, ये इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ये वाली इक्वेशन का, जब सिचुएशन ये है, एनर्जी इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल, सॉरी ओके। सेकंड, एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल, तो के नेगेटिव आएगा यहाँ से,
है ना, e v बड़ा है इससे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में जो सॉल्यूशन है वो a e टू द पावर के एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस के एक्स आ जाएगा। ये कैसा सॉल्यूशन है? ऑक्सीलेटिंग। ये कैसा है? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। तो पहले ये दो केसेस ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, अब अगर मैं पोटेंशियल को ड्रॉ करूं, ठीक है, इफ आई ड्रॉ पोटेंशियल लाइक दैट, तो यहां से मान लीजिए कोई पार्टिकल आया है ना, ऐसे मान लेते हैं पोटेंशियल ऐसे है हमारा, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे आया जिसकी एनर्जी ई है, दिस इज ए पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ। तो ये रीजन वन है बेटा, ये रीजन टू है, और ये रीजन कितना है? तीसरा है। तो रीजन वन में यहां पे देखो जो पोटेंशियल है यहां से यहां तक, ठीक है, पोटेंशियल इज लेस देन एनर्जी। तो पोटेंशियल इज लेस देन एनर्जी मतलब पहला वाला, तो इस केस कंडीशन में वेव फंक्शन क्या होगा? ऑक्सीलेटिंग होगा। इस कंडीशन में भी वही है, बट मान लो इसी को मैं एक्सटेंड करके ऐसे बना देता, रीजन टू में सेम कंडीशन है पहली वाली। तो जहां पे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स अगर पार्टिकल की टोटल एनर्जी ई पोटेंशियल से ज्यादा है तो वो अलाउड रीजन है। तो ये कैसा रीजन है? अलाउड। कैसे अलाउड? क्लासिकली अलाउड रीजन। ये वाला जहां पे एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है तो ये फॉरबिडन रीजन है, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिकली ये फॉरबिडन रीजन नहीं है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली ये भी अलाउ है, बट आपसे पूछेगा क्लासिकली तो आंसर ये रहेगा। तो रीजन थर्ड जो है वो अलाउड रीजन नहीं है। इस रीजन में वेव फंक्शन क्या होगा? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वेव फंक्शन होगा। तो इस कंडीशन के बेसिस पे हमारे पास तीन सवाल आते हैं, पोटेंशियल स्टेप, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, फाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंटायर आईआईटी जेम सिलेबस, नेट, गेट, एक क्वेश्चन आप हमेशा इस टॉपिक से एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो आपको पता है कि व्हाट यू हैव टू डू। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका पोटेंशियल प्रॉब्लम की है, यानी कि उसकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी, यानी कि कल या परसों के लेक्चर में मिल जाएगा। चलिए, टाटा बाय बाय और टेक